बाज़ुकात बच्चों के अंदर कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो रही होती है, कोई माइल्ड या मॉडरेट टाइप की, जो कि मास्क हो रही होती है। हम इसको देर से बोलने को, सिर्फ देर से बोलने के ऊपर ही कर रहे होते हैं, जबकि वो बच्चा सुन नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं सक रहा होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीबा कामरान है। आई वर्क एज अ पीडियाट्रिशियन एट लाइफ लाइन्स हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर, एंड आई ऑल्सो वर्क एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो है बच्चों में देर से बोलना, यानी स्पीच डिले इन चिल्ड्रन। जो बच्चों में देर से बोलना है उसकी बहुत सारे अवामिल, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि ये आइसोलेटेड फेमिलियल स्पीच डिले है, यानी कि फैमिली में सारे ही लोग देर से बोले थे, फादर में या मदर के अंदर देर से बोलने की हिस्ट्री होती है, तो इस वजह से वो एक आइसोलेटेड स्पीच डिले इसका पार्ट हो जाता है। बाज़ुकात बच्चों के अंदर कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो रही होती है, कोई माइल्ड या मॉडरेट टाइप की, जो कि मास्क हो रही होती है। हम इसको देर से बोलने को, सिर्फ देर से बोलने के ऊपर ही कर रहे होते हैं, जबकि वो बच्चा सुन नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं सक रहा होता। तीसरी चीज़ जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्सपोजर टू स्क्रीन। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं टू स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, वीडियो गेम्स और टेलीविजन्स। और इसके साथ जैसे पहले ज़मानों में बच्चों का इंटरेक्शन, अपने फिज़िकल इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ था, बड़े बहन भाइयों के साथ था, दादी नानी इनके साथ था, तो वो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन जिसके थ्रू बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ प्ले बेस्ड लर्निंग कर रहा था, फ्लोर के ऊपर खेल के बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा था, वो खेलना एक तरह से बिल्कुल कम हो चुका है। बच्चे और माँ बाप दोनों अपने अपने मोबाइल और टैबलेट से मसरूफ़ हैं, और इसकी वजह से बच्चा जो है पेरेंट्स से पॉजिटिवली लर्न नहीं कर पा रहा। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो आजकल हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं वो हमारे सामने आ रही है, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स, जिसमें ऑटिज़म का बहुत चर्चा है। इसके अलावा बच्चे बाज़ुकात हाइपर एक्टिव होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं, यानी ADHD के अर्ली साइंस में बच्चा जो है वो देर से बोल रहा होता है, मतलब क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे पा रहा होता, इस वजह से उसका बोलना और स्पीच भी जो है वो डिले हो चुकी होती है। अच्छा, बहुत से अर्ली साइंस हैं जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, और हाउ अर्ली शुड यू विज़िट अ डॉक्टर। अच्छा, उसमें सबसे मैं तो ये कहती हूँ कि एज़ अर्ली एज़ यू कैन। एक मदर बहुत जल्दी जज कर लेती है कि मेरा बच्चा 2 माह का है लेकिन वो मुझे देख के मुस्कुरा नहीं रहा, या वो मुझे आई कॉन्टैक्ट नहीं दे पा रहा। जैसे हमारी बहुत सारे जो केयर गिवर्स होते हैं, दादियाँ नानियाँ या माएँ भी, जो बाज़ुकात जिन्हें पता होता है बच्चों का, तो वो तीसरे चौथे महीने में भी जज कर लेती हैं कि दूसरा बच्चा स्माइल कर रहा है, और हमारी जिसको हम कूइंग कहते हैं, बेबी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में हमारे साथ कन्वर्स नहीं कर रहा होता। 6 माह का बच्चा आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। 1 साल के ऊपर बच्चा आवाज़ें निकालता है, मम 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 बब बब, जिसको हम बैबलिंग कहते हैं, वो भी नहीं बोल रहा। जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो उसके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ज़खीरा अल्फाज होते हैं, सिंगल वर्ड स्पीच होती है, मीनिंगफुल, दू दू है, फीडर है, या जो भी है, मामा है, बाबा है, किसी बहन भाई का नाम लेना है, वो सिंगल वर्ड स्पीच 1 ईयर के ऊपर बच्चा नहीं बोल पा रहा, तो पेरेंट्स के कान खड़े हो जाना चाहिए और उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मसला क्या है। 2 ईयर्स के ऊपर एक बच्चे की स्पीच जो है वो 2 हर्फी जुमलों के ऊपर होती है, दे दो, ले लो। 3 साल का बच्चा जो है वो 3 हर्फी एक जुमला बोलता है, ये दे दो, वो खाना है, इस टाइप के जुमले। तो जहाँ भी आपको लगे कि हाँ जी बच्चे की डेवलपमेंट में ये लैंग्वेज वाला पार्ट थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो आपको फ़ौरन आपके कान खड़े हो जाना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर इसका जो भी टेस्ट होगा, जो एक इसका प्राइमरी पीडियाट्रिशियन होगा, वो इसके टेस्ट करेगा, इसकी बाकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को जज करेगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हेयरिंग असेसमेंट कराई जाएगी, और कहीं आपका बच्चा कहीं इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम के ऊपर जा रहा है तो फिर इसके साइकोमेट्रिक टेस्ट किए जाएंगे। और जितना जल्दी आप बच्चे का इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर या कोई भी इसकी बीमारी, जो भी मसला है, उसको आप डायग्नोज करते हैं, जैसे स्क्रीन मीडिया, बाज़ुकात सिर्फ स्क्रीन की वजह से ही बच्चे नहीं बोल पा रहे होते, आप स्क्रीन को बंद करते हैं, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं, और बास जगह पे हमें बच्चे को स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, तो वो जब हम इसकी थेरेपी एज अर्ली एज पॉसिबल इनिशिएट करते हैं तो बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाता है।